गणपति बप्पा मोरय रोज फ्लेवर फ्रेश कोकोनट मोदक मतलब गुलाब के स्वाद वाले ताजे नारियल के मोदक की रेसिपी देखते हैं। ये काफी आसान होते हैं, ये काफी टेस्टी भी होते हैं, तो चलिए देखते हैं इसकी रेसिपी। ओम नमो नारायण दोस्तों। इन मोदक को बनाने के लिए सबसे पहले हम नारियल को काट लेंगे। मैंने इसके पीछे का ब्राउन पार्ट काट लिया है, निकाल दिया था। इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। इन्हें ग्राइंडर जार में डालकर इनका इस तरह का पाउडर बना लेंगे। इसे मेजर करेंगे। मैंने एक कप भरकर नारियल का ये पाउडर लिया है। इसे कढ़ाई में डालेंगे। एक कप भरकर दूध डालेंगे। मैं साथ में मलाई भी डाल रही हूँ। अगर आप नहीं डालना चाहते तो स्किप कर दीजिए, सिर्फ दूध ही डालिए। इसे हम अच्छी तरह पका लेंगे। नारियल को पकने में काफ़ी समय लगता है। जब तक दूध पूरी तरह से जल ना जाए तब तक हमें इसे पकाना है। ये देखिए, मीडियम फ्लेम पर हम इसे पकने रखेंगे, क्योंकि अगर फ्लेम हाई रहेगी तो ये नीचे से जलने लगेगा और आपका नारियल का ये जो सामग्री है ये ख़राब हो जाएगी। इसमें डालेंगे हम शक्कर। एक कप भरकर शक्कर डाल लीजिए। इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। शक्कर अपना पानी छोड़ती है। जब तक शक्कर का पानी सूख ना जाए हमें इसे पकाना है। ये देखिए, पानी सूख गया है। इसमें घी डालेंगे और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। यहाँ हम रोज फ्लेवर वाले मोदक बना रहे हैं, तो मैंने मैप्रो का रोज सिरप लिया है। आप रूह अफ़ज़ा भी ले सकते हैं। 4 to 5 टीस्पून रोज सिरप डालेंगे। इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। थोड़ा सा इसका मॉइस्चर कम कर देंगे हम। ये देखिए, इस तरह से हमें मिक्स कर लेना है। और जब ये मिक्सचर पूरी तरह से अच्छी तरह मिक्स हो जाए तो हम इस गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसे एक प्लेट में निकाल कर ठंडा होने रख देंगे। आपको अगर ये प्रोसेस जल्दी करना है तो आप इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से ये थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा। इसमें मैंने गुलाब की पंखुड़ियाँ काट कर डाली है। आप सूखे गुलाब की पंखुड़ियाँ भी डाल सकते हैं। मोदक के मोल्ड को हम इस तरह से ग्रीस कर लेंगे। थोड़े से गुलाब की पंखुड़ियाँ मैंने काट कटी हुई इसमें डालती है, इससे ये सुंदर लगेंगे। इस तरह से हम फिलिंग इसमें भर लेंगे। ये देखिए, दबाकर हमें फिलिंग अच्छी तरह भरना है, जिससे ये इजीली बन जाते हैं, टूटते भी नहीं है। अगर आपके पास इस तरह का मोल्ड नहीं है तो सिंगल मोल्ड में भी आप बना सकते हैं। पहले हम एक साइड में इसे भरेंगे, फिर दूसरी ओर भी इसे भरेंगे, जिससे ये अच्छी तरह से फिल हो जाते हैं और अंदर से खोखले नहीं रहते। इसे हम बंद करेंगे और अच्छी तरह से प्रेस कर लेंगे। जो अधिक फिलिंग है इसे हम निकाल लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमें दबाकर इसे बंद करना है और जो एक्स्ट्रा पार्ट, जो एक्स्ट्रा फिलिंग है, इसे हम निकाल लेंगे। तो लीजिए, मोदक तैयार है। इसके ऊपर जो भी एक्स्ट्रा फिलिंग लगी हुई है इसे हम निकाल लेंगे और हाथों की हेल्प से इसे अच्छी तरह शेप दे देंगे। तो लीजिए, मोदक तैयार है। अपने गेस्ट को सर्व कीजिए इस तरह के मोदक, वो भी खुश हो जाएंगे और आपके पप्पा भी खुश हो जाएंगे। ये इजीली बन जाते हैं इन मोल्ड्स में। सिंगल मोल्ड वाला भी मैं दिखाती हूँ। मेरे पास सिंगल मोल्ड वाला इस तरह का एक मोल्ड है। ये देखिए, सिंगल मोदक वाला मोल्ड, प्लास्टिक का भी है। प्लास्टिक में भी आप इसी तरह बनाइए। पंखुड़ियों को डाल दिया मैंने। पहले इसे भी हमें ग्रीस करना है। ग्रीस करने से ये आसानी से निकल जाते हैं, चिपकते नहीं मोल्ड पर। फिलिंग को रख लेंगे हम और इसे दबाकर अच्छी तरह से बंद कर देंगे। जो एक्सेस पार्ट है, जो ज़्यादा फिलिंग है, इसे निकाल देंगे हाथों की हेल्प से। तो लीजिए, दूसरा शेप भी तैयार है। तो इस तरह के छोटे छोटे मोदक बनाकर रख लीजिए। जब भी आपके घर पर मेहमान आए, भक्त आए, तो उन्हें बांटने में आसानी होती है। इस तरह के मोदक मैंने काफ़ी मोदक बना कर रखे हैं। तो लीजिए, रोज़ फ्लेवर वाले मोदक तैयार है। इनका स्वाद काफ़ी अच्छा आता है।
तो बनाइए और कमेंट में बताना आपके मोदक कैसे बने और इसका स्वाद भी बताना आपको मोदक कैसे लगे। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिए। बाय बाय।